बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टुडे इज आवर लेसन फॉर क्लास 12th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। द टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। जो प्रिंसिपल्स हैं, उसूल जो है ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके उसूल। As we discussed previously, the various principles of foreign policy of India, today we have discussed maintenance of sovereignty, number second we have promotion of world peace, and number third support for United Nations, and number fourth humne opposition to कम्युनलिज्म, इंपीरियलिज्म एंड रेशनलिज्म, जो हमने कहा पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे सपोर्ट फॉर डिसआर्ममेंट्स। तो जो प्रिंसिपल जो है नेहरू फॉरेन पॉलिसी की जो प्रिंसिपल है, द फिफ्थ वन इज सपोर्ट फॉर डिसआर्ममेंट, यानी सपोर्ट करना था किसके लिए, डिसआर्ममेंट हो गया तकफीफ असला। इंडिया सपोर्टेड डिसआर्ममेंट एफर्ट्स like the NPT and PTBT during the Cold War period। जो इंडिया जो है, इंडिया ने सपोर्ट किया है डिसआर्ममेंट एफर्ट्स जो थे, लाइक NPT एंड PTBT जो है during the Cold War period। तो इंडिया ने सपोर्ट किया तो ये डिसआर्ममेंट, तकफीफ असला कम करना, जिस तरह एफर्ट्स लाए NPT एंड PTBT कोल्ड वार पीरियड में, इंडिया ने इसको सपोर्ट किया है कि जो ये असला है हमें करना है, तकफीक असला करना है। तो इस तरह जो NPT और PTBT जो कोल्ड वार पीरियड में, इट वांट्स एलिमिनेशन ऑफ वेपन्स। वो चाहता था जो वेपन्स जो है इनको एलिमिनेशन किया जाए, अखराज किया जाए, अलहदा किया जाए, elimination of weapons, but it opposed to one-sided, लेकिन उसने मुखालफत की one-sided protectionist disarmament favored by western power, लेकिन उसने उसकी opposition की जो one-sided protectionist disarmament, जो protectionist disarmament फेवर्ड बाई वेस्टर्न पावर, जो वेस्टर्न पावर जो इसको करते थे, फेवर करते थे, उसकी जो प्रोटेक्शनिस्ट जो थी उसकी मुखालफत उन्होंने की। जो जो इसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी, उस फॉरेन पॉलिसी में इट वांट्स टू एलिमिनेशन ऑफ वेपन, वो चाहता है अखराज करेंगे जो वेपन जो है, अलहदा करेंगे, बट इट अपोजिट टू वन साइड प्रोटेक्शनिस्ट, जो प्रोटेक्शन की उसने मुखालफत की, डिसआर्ममेंट्स फेवर बाय वेस्टर्न, जो वेस्टर्न पावर जो थे वो फेवर करते थे किसको, प्रोटेक्शनिस्ट डिसआर्ममेंट, तो उसकी उसने मुखालफत की। नंबर सिक्स, प्रमोशन ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, उसने क्या किया, प्रमोशन ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन। इंडिया वांट्स टू एक्सपेंड साउथ साउथ कोऑपरेशन, जो इंडिया जो है वो कोशिश करता है एक्सपेंड करने के लिए साउथ को और साउथ कोऑपरेशन को, आपस में कोऑपरेशन करने के लिए, साउथ कोऑपरेशन के लिए, साउथ कोऑपरेशन बिटवीन डेवलपिंग स्टेट, जो डेवलपिंग स्टेट जो है साउथ में, उनको वो कोशिश करता है, उनको क्या करता है, कोऑपरेशन के लिए, साउथ कोऑपरेशन के लिए, एक तो एक्सपेंड करा तनाव के लिए कोशिश करा, दूसरा उनको कोऑपरेशन करना, कोऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है बिटवीन डेवलपिंग, जो डेवलपिंग स्टेट्स है, सो दे दी स्टेट्स फॉर्म, ये जो स्टेट्स जो है डेवलपिंग स्टेट, एंड इकोनॉमिक अलाइनेंस, ताकि वो एक इकोनॉमिक अलाइनेंस कर सके, एंड विद स्टैंड, और क्या करिए, मुकाबला कर सके द प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम, जो हुक्मरानी है क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम जो है ऑफ द नॉर्थ, जो नॉर्थ की प्रोटेक्शनिस्ट जो रिजीम्स है,
उनका वो तर्ज हुकुम जो है जिन जो है तर्ज हुकुम उनका वो मुकाबला कर सके। नंबर सेवन नॉन अलाइनमेंट गैर जनबदारी जो मैंने बोला नॉन अलाइनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनग्रीडियंट ऑफ इंडिया फॉरन पॉलिसी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंग्रेडिएंट है जूस है इंडियन फॉरन पॉलिसी का वो है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी एज इट गिव्स इट एन ऑटोनॉमस अप्रोच। इसे क्या होता है इसको एक ऑटोनॉमस अप्रोच मिलता है ऑटोनॉमस हो गया खुद मुख्तार इसको मिलता है ऑटोनॉमस अप्रोच ऑटोनॉमस अप्रोच को मिलता है इन ग्लोबल रिलेशन जो ग्लोबल रिलेशन जो है इसमें इंडिया को क्या मिलता है ऑटोनॉमस अप्रोच इसको मिलता है। द मोमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय नेहरू इसको जो शुरुआत की है वो किसने की है नेहरू ने एंड हैज सिंस देन और तब से बीन तब से क्या है तब से ये अभी चल रहा है प्रीकोर्शर तो तब से चल रहा है प्रीकोर्शर मीन्स तब से ये चल रहा है पेशरा ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऑफ डेवलपिंग स्टेट तब से ये चल रहा है फॉरेन पॉलिसी जो है डेवलपिंग स्टेट्स की है तो तब से ये क्या है बीन तो तब से क्या चल रहा है प्रीकोर्शर हो गए पेशरा यानी उसी के तहत वो अपनी जो डेवलप कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी जो डेवलपिंग स्टेट्स है तब से वो क्या कर रहे हैं पेशरा जो है तो उसी के हिसाब से जो डेवलपिंग स्टेट्स है अपनी फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं। नंबर एट सपोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स तो ये भी दिस इज द आल्सो ए प्रिंसिपल ऑफ नेहरू फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। इंडिया हैज साइंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इंडिया ने क्या साइन किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ऑफ ह्यूमन राइट्स की उसको इसने साइन किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948 में एंड सपोर्टेड उसने सपोर्ट किया है किसको फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ फॉर ऑल पीपल उसने बोला कि फंडामेंटल सपोर्ट किया है कि फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल फॉर ऑल यानी क्या होना चाहिए उसने सपोर्ट किया जो बुनियादी आज़ादी हर एक इंसान को आज़ादी होनी चाहिए सपोर्टेड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल पीपल उसने बोला हर एक इंसान के लिए आज़ादी होनी चाहिए फंडामेंटल सपोर्टेड द फंडामेंटल फ्रीडम बुनियादी फ्रीडम हर एक के लिए होनी चाहिए फॉर ऑल पीपल तमाम लोगों के लिए। अच्छा नाइन्थ इज सपोर्ट फॉर कॉमनवेल्थ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फॉरन पॉलिसी ऑफ नेहरू इज सपोर्ट फॉर कॉमनवेल्थ इंडिया सपोर्टेड द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इसने सपोर्ट किया है कॉमनवेल्थ जो है नेशन की कॉमनवेल्थ नेशन मीन्स मुश्तरक मफादात रखने वालों की गैर सियासी तंजीम जिसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ को ऑफ नेशन एज ए फोरम जिस तरह एक फोरम बनाई है सोशल इकोनॉमिक टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन किस लिए भाई एक फोरम बन गई सोशल के लिए इकोनॉमिक टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए सपोर्ट फॉर कॉमन इंडिया ने इसको जो ये सपोर्ट किया किसको फॉर कॉमन वेल्थ के लिए फोरम बन गई सोशल इकोनॉमिक टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए। नंबर टेन पीसफुल को एग्जिस्टेंस तो उन्होंने क्या किया पीसफुल को एग्जिस्टेंस तो उन्होंने एक ये भी बनाई थी पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इंडिया बिलीव इन सेल्फ डिटर्मिनेशन इंडिया जो है वो किस पर बिलीव करता है इन सेल्फ डिटर्मिनेशन मीन खुददारियत इंडिया जो है वो इस पर बिलीव करता है किस पर सेल्फ डिटर्मिनेशन खुददारियत पर हर कौम का हक आज़ादी कुछ सेल्फ डिटर्मिनेशन को बोलते हैं एंड राइट टू पीसफुल और क्या करता है पीसफुल होना चाहिए को एग्जिस्टेंस होना चाहिए पुर अमन बराए बहाली और क्या होना चाहिए राइट टू पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो गया पुर अमन बराए बहाली विद अदर सिटीज और आप दूसरे सिटीजन के साथ होना चाहिए। थैंक यू प्लीज लेसन इज कम्प्लीट थैंक यू अस्सलाम वालेकुम।